आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हमारे भाई नारायण शेठ चौधरी, उनका सुपुत्र विकी नारायण चौधरी, इनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आपके पापा ने जो नाम कमाया है भिवंडी शहर में, जिले के अंदर, उससे दो गुना आप उनका नाम बड़ा करो और आने वाले दिनों के अंदर गोर गरीब जनते की आप सेवा करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दादाजी का नाम, रतन काशीनाथ चौधरी का नाम बड़ा करो, नारायण चौधरी का नाम बड़ा करो, खानदान का नाम बड़ा करो, गांव का नाम बड़ा करो और शहर का नाम बड़ा करो। मैं माँ जगदम्बा, माँ वरा देवी से, माँ तुलजा भवानी से प्रार्थना करता होता हूँ कि तुमको जियो हजारों साल, साल के हो 50,000, तुम आगे बढ़ते रहो। पिछले 25 साल से लगातार समाज सेवा करने वाले नारायण चौधरी व उद्योगपति के सुपुत्र विक्की नारायण चौधरी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भिवंडी शहर के युवा समर्थकों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके जनसंपर्क कार्यालय पर जाकर ढेर सारी बधाई दी और केक काटकर उनको शुभेच्छा भी दी। समाज सेवक विक्की चौधरी को भिवंडी के जाने माने प्रतिष्ठित बिल्डर व समाज सेवकों ने भी ढेर सारी बधाई दी। जन्मदिन के अवसर पर खड़ौली के वृद्धाश्रम में जाकर ज्येष्ठ नागरिकों के साथ में भोजन किया और सभी ज्येष्ठ नागरिकों को भोजन भी खिलाया। साथ ही साथ में अनगांव की गौशाला में जाकर पशु प्रेम दिखाकर उनको घास खिलाया और गायत्री मंदिर में जाकर दर्शन लिया। साथ ही साथ में गरीब जनताओं को प्रेम किस तरह से विक्की चौधरी करते देखने को एक झलक मिली। आइए देखते हैं स्टेज टाइम की एक रिपोर्ट। आज विक्की चौधरी का जन्मदिन है और भारी संख्या में यहाँ पर युवा समर्थक यहाँ पर सारे मौजूद है, क्या कहेंगे? हमारे बड़े भाई विक्की जी चौधरी समाज सेवक, जो जनता में हमेशा कभी भी 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति भी है और गोर गरीब जनता जो भी रहती है उनके लिए कुछ भी हो, उनके सेवा के लिए वो उपस्थित रहते हैं। मैं उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मेरे बड़े भाई आदर्श की तरह ऐसी, हमको एक आइडल की तरह ऐसी आगे लेके चले साथ में और जनता के लिए हम आगे काम करेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू विक्की जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा दिलों की धड़कन, युवा नेता श्री विक्की नारायण चौधरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए। आप जैसे नेताओं की जरूरत है, युवा नेताओं की जरूरत है, आप जैसे सोच की जरूरत है, आप जैसे लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, दुआएं आपके साथ बहुत सारी। हमारे बीच में जो हमारी इंग्लिश स्कूल है, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ के संचालक ऐसे हृदय के भाव, मतलब नाम तो बहुत सुना मैंने, विक्की भैया के जब भी युवा मंडल आता था तो वो बोलते थे कि हमारे विक्की जी हैं जो तत्पर अच्छे कामों में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी भाव के साथ में आज उनका चेहरा देखने का हमको अवसर भी मिला और ऐसे गो प्रेमी, ऐसे गो सेवा, चाहे जन्मदिन तो किसी होटल में मना लेते, किसी गली मोहल्ले में अच्छा केक काट के बड़ा जुलूस निकाल देते, लेकिन उनके अंदर एक सेवा भाव थी कि
मेरे जन्मदिन पे पहला भोज किसको लगना चाहिए? वो माता को लगना चाहिए। और किनके हाथ से लगना चाहिए? वो नन्हे मुन्ने जो बालक है उनके हाथ से लगना चाहिए। कि आखिर में बोले आज के कर्णधार है, आज के युवा पीढ़ी है, तो इसी भाव के साथ के आपके हाथों से उनका भाव था कि ये बच्चे माता को पिलाए और आप उनको क्या दे, आशीर्वाद दे ढेर सारा। तो कैसे दोगे उनके लिए? सब अच्छी लाइन खड़ी करो और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाओ और गुलाब के फूल जैसे इनको खिलाओ, जिनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई याद हो कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। ऐसे आप हाथ ऐसे करो, जन्मदिन ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे एचटीएस न्यूज़ के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।